सिंगरौली जिले में मत्स्य आखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंध के बावजूद भी मछलियों को मारने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह के किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन व मछलियों के खरीदी बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। लेकिन विंध्यनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर में प्रतिबंध के बावजूद भी ठेकेदार प्रमोद सिंह द्वारा लगातार बड़ी तादाद में मछलियों को मारने एवं बिक्री करने का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि शाहपुर से कई क्विंटल मछलियों को मारकर गहीलगढ़ गोदाम से बेचने का कारोबार चल रहा है। जिन तालाबों, नदियों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा है, वहां ठेकेदार प्रमोद सिंह अपने लोगों के साथ में चोरी छिपे मछली पकड़कर बाजार में बेच रहे हैं। न पट्टा है, न ही अनुमति। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार प्रमोद सिंह एवं उसके गुर्गे मत्स्य विभाग की मिली भगत से कई क्विंटल मछलियों को मारकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। विभाग ने चुप्पी साधी हुई है। उत्पीड़न के संबंध में उन्हें ज्ञापन दिया और उनके माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन संप्रेषित किया गया है और उनसे मांग की गई है कि स्थानीय थाने में जो तहरीर पत्रकारों के द्वारा दी गई है, अभी तक उसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया जाए और दोषियों को गिरफ्तार की कार्यवाही जो है कि सुनिश्चित कराई जाए। और कलेक्टर से यह भी मांग की गई कि सिंगरौली में पत्रकारों को उत्पीड़न जो है कि बढ़ रहा है और आपके माध्यम से आप जिले के मुखिया हैं, इन्हें संरक्षण जो है कि उपलब्ध कराएं और समय रहते कदम नहीं उठाया गया। जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय संघ श्रमजीवी पत्रकार महासंघ इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनाई।